गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली कनाडा, जो कि हमारे इस ट्रिप की लास्ट कंट्री है। और आज हम लोग रात को निकले हैं बाहर, क्योंकि आज हमारा पोर्ट रात का है। एंड हम लोग अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग जस्ट अभी बाहर निकले हैं। और हमारा बैक एंड बोर्ड है 11:30 का। अभी थोड़ा सो के उठाऊँ तो आंखें थोड़ी सूजी भी दिख रही होंगी आपको। पीछे खड़ा है मेरे शिप और निकल चुके हैं हम लोग शिप से बाकी फाइनल। और इस पोर्ट का नाम है विक्टोरिया कनाडा। एंड वी आर सो हैप्पी कि हम लोग रात को बाहर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग का मतलब सोच रहे थे कि हम शाम को कभी निकले बाहर, बट कोई पोर्ट था ही नहीं जिसमें हम लोग शाम को निकल पाएँ। बट फाइनली हम लोग निकल गए और आ गए हैं कनाडा विक्टोरिया। आप व्यू चेक करो, ये मेरे पीछे खड़ा है शेप। और ये चेक करो गाइस, सामने आपको शायद दिख नहीं रहा होगा पर सामने पहाड़ है, उसके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है। और गाइस थोड़ा आज आपको क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रात का टाइम है और मेरा फ़ोन इतना कैपेबल नहीं है कि नाइट मोड इसका अच्छा हो। सो क्वालिटी थोड़ी ख़राब आएगी, बट स्टिल मेरे को तो दिखाना ही है आपको। बाकी हम लोगों को सिक्योरिटी ने बोला है कि वहाँ पे शटल मिल रहा है, क्योंकि पैदल पैदल जाएंगे तो 24 मिनट लगेगा, तब तक बंद हो जाएगा। सो उसने बोला है कि वहाँ पे शटल लो और स्ट्रेट जाओ। बाकी सो गाइस ये लिखा हुआ है यहाँ कनाडा, और यहीं से हम लोग बाहर जाएंगे। और वो खड़ी है बसेस, डबल डेकर बसेस है, सो इसी में बैठ के हम लोग जाएंगे आगे। सो ये वाली लाइन है क्रू के लिए और ये पैसेंजर के लिए। सो चलते हैं क्रू में और लेट्स गो। सो गाइस हमें अभी बोला गया है कि जो बस हम लोग सोच रहे थे वो एक्सकर्जन की है, और अगर हमें डाउनटाउन जाना है कनाडा के तो हमें डिफरेंट बस लेनी पड़ेगी। सो अभी हम लोग देख रहे हैं गाइस विक्टोरिया डाउनटाउन जाने का रास्ता, कि अब बस से जाएं, पैदल जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। लेट्स गो, चलते आ गए यहाँ पे। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जाए कहाँ। चलते चलते हम लोग एक कॉलोनी में पहुँच गए और अभी जा रहे हैं स्ट्रेट। अब हम लोग तो डाउनटाउन के लिए निकले हैं, बट यहाँ से तो मुझे नहीं लग रहा है कि डाउनटाउन का रास्ता होगा। लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं। सो गाइस अभी चलते चलते हमने ये देखा है, सो इट्स ये कोई एक कंपनी है जहाँ पे लिखा हुआ है नो वैकेंसी ब्राउन ब्रोज। सो जो लोग सोच रहे हैं कनाडा आने के लिए तो इसी से ही आइडिया लगा लो कि हम लोग पोर्ट से जस्ट निकले हैं और यहाँ पर हम लोग एक कॉलोनी टाइप की में एंटर हुआ है, और यहाँ पे ही बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है नो वैकेंसी। सो अगर आप यहाँ पे आके जॉब का सोच रहे हो या फिर अगर आप यहाँ पे आके सेटल होने का सोच रहे हो तो बॉस सोच समझ के आना। गाइस ये चेक करो, ये हमारे पोर्ट से जो $15 और $20 वो चार्ज कर रहे थे वो इसी फेरी के हैं। सो लग तो प्यारा रहा है, जिसके $15 है जो क्रूज़ कर रहे हैं। बाकी हमारे लिए शायद थोड़ा और चीप होता, बट हमें इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, सॉरी, बट अच्छा लग रहा है नो डाउट। गाइस चलते 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 चल ही रहे हैं तब से, हमें और कुछ तो नहीं पर मिल चुका है कुरकुरे $1 में, अच्छा लगा खा के। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है गाइस ये कनाडा इतना शांत क्यों है। मतलब इस टाइम पे 8 या 9 बजे होंगे और सब कुछ मतलब बिल्कुल शांति हो रखी है, कोई ना बंदा ना बंदे की जात। सो अब करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ, जा तो अभी फ़िलहाल हम डाउनटाउन की तरफ रहे हैं, हार्डली 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। लेट्स गो, अब देखते हैं गाइस यहाँ के घोड़े कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। सो इसका नाम है चेरी और ये है इसकी मालकिन। आई विल शो यू कि ये कितना बड़ा है। सो गाइस फाइनली पहुँच ही गए हम लोग डाउनटाउन, और ये चेक करो। सो गाइस बहुत ही सुंदर है, बाकी ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ नेक्स्ट लेवल। अब जाके देखते हैं वहाँ पे है क्या। इस बिल्डिंग की बात कर रहा था मैं जो मेरे हमारे लेफ्ट में दिख रही थी, ये भी बहुत सुंदर लग रही है। एंड वहाँ पे पूरी सिटी है आप देख सकते हो। अभी प्रॉब्लम वही है गाइस, कैमरे की दिक्कत है कि कैमरा ढंग से कैप्चर कर नहीं पा रहा है, पर जो हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली में ब्यूटीफुल है। गाइस ये चेक करो ब्यूटी, आ गए हैं बिल्कुल यहीं पे। सो आई थिंक ये कोई मॉल है द एम्प्रेस करके, और इसके अंदर जाके कुछ फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि अपने पास इतना टाइम है नहीं। बाकी बिल्कुल सेंटर में आ गए हम लोग डाउन टाउन के। बना ही नहीं, कैंसिल आ गया ना। चेक करो गाइस, ये देखो ये कुछ गरीब आ गए हैं यहाँ पे कनाडा में फ़ोटो खिंचाने, जो कि घूमते घूमते यहाँ तक आ ही गए हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं यहाँ से घूमने में, इधर जाने में उधर जाने में। हार्डली हम लोग को एक घंटा, हमारे पास सिर्फ एक घंटा है और एक घंटा हम लोग को शायद वापस जाने में लग जाएगा। गाइज भटक रहे हैं कनाडा की गलियों में यार ये लोग। और सो गाइज अभी आ गए हम लोग बर्गर किंग कुछ खाने। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि यहाँ पे जो बर्गर किंग में भी जो सारा स्टाफ है इस टोटली इंडियन, आप देख सकते हो। सो कनाडा तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लाइक दूसरा इंडिया ही है, यहाँ पे जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे इंडियन ही है। भाई बंधु कनाडा में जॉब करने का सोच रहे हैं तो वो 2 बार या 10 बार या 1000 बार सोचो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जैसे मैं हाल देख रहा हूँ यहाँ पे तो कनाडा इज़ फुल, ऑलरेडी फुल। जितने भी मैंने हमने 2-4 बोर्ड देखे वहाँ पे नो वैकेंसी ये सभी देखा है। सो इट्स बेटर कि आप इंडिया में कुछ अच्छा करो, या फिर अगर आप आ रहे हो तो आप स्किल्ड लेबर होने चाहिए यहाँ का, मतलब किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट होने चाहिए तो बढ़िया, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं। बाकी अभी हम लोग खड़े हैं अपने ऑर्डर के लिए एंड ऑर्डर लेते हैं, खाते हैं, फिर निकलते हैं शिफ्ट की ओर। दोबारा देखो हराम खाटे आ गए, रीफिल पे रीफिल मार रहे हैं कोक की मशीन पे। हाँ वही, तभी इंडिया में नहीं चलती क्योंकि ये लोग एक चीज़ ऑर्डर करते हैं और 10 बार रीफिल मारते हैं। वैसे गाइस ये चेक करो, बैठ गए डबल डेकर बस में और यहाँ चल रहा है बर्गर किंग क्योंकि अपने पास टाइम कम है। ये आ गया मेरा बर्गर और ये चेक करो व्यू। अभी हम बैठे हैं ऊपर वाली सीट में, अब मजा आएगा यहाँ से व्यू लेंगे पूरा कनाडा का। Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lives in these real times to be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. पहुंच गए फाइनली शिप पे, ले हो गए लेट, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और हम लोगों को शिप पे चढ़ना है इसलिए हम लोग भाग रहे हैं। बाकी यही था आज के ब्लॉग में, एंड सॉरी मैं ढंग से दिखा नहीं पाया, जितना था उतना ही दिखा पाया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय।